अस्सलाम जय हिंद जय जम्मू कश्मीर दिस इज नाज़िक कटोच प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम यह स्कीम लॉन्च की गई 17th ऑफ सितंबर 2023 इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद था मकसद है कि कैसे हम अपने आर्टिसंस हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं हमारे जो हाथों के कारीगर हैं उनको कैसे अपलिफ्ट करें कैसे उन्हें एंपावर करें कैसे उनके काम के एफिशिएंसी को उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएं कैसे उन्हें रिकॉग्निशन मिल पाए क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे हाथों के कारीगर हैं मोस्टली वो अनरिकनाइज रह जाते हैं या उन्हें जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं जो फैमिली ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उन्हें कहीं ना कहीं विद लैक ऑफ मार्केटिंग या लैक ऑफ ऐसे रिकॉग्निशन वो अपने काम को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं तो उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया है इस स्कीम के अंडर उन्हें वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जिसकी वजह से वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के अंडर 18 फैमिली ट्रेडिशनल ट्रेड बिजनेस को इंक्लूड किया गया है इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस वो कारीगर जो लकड़ी का काम करते हैं वुड का काम वो कारीगर जो सोने चांदी या लोहे का, का काम करते हैं यानी गोल्ड सिल्वर या आयन का, का काम करते हैं वो कारीगर जो चमड़े का, का काम करते हैं यानी लेदर का काम करते हैं वो कारीगर जो क्ले मिट्टी से जो चीजें बनाते हैं वो कारीगर हमारे जो फिशरमैन हैं वो हमारे वॉशरमैन हैं वो हमारे टेलर्स दर्जी हमारे जो जो वेवर्स हैं जो हमारे बारबर्स हैं ये भी इस स्कीम का लाभ जो है फायदा जो है वो उठा सकते हैं स्कीम में इनरोल करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो आपको आपके सीएससी सेंटर से भी जानकारी जो है वो मिल सकती है पर आ, मैं आपको इन शॉर्ट में बताना चाहूंगी पर्सन शुड बी ऑफ एटीन इयर्स एज उसकी जो है वो 18 साल की होनी चाहिए और वो इन्हीं 18 ट्रेडिशनल ट्रेड बिजनेस जो कि मेंशन किए गए हैं स्कीम के अंडर उनमें कहीं ना कहीं इंगेज होना चाहिए वो काम कर, करता होना चाहिए इस ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस में वो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो होना चाहिए वो इस स्कीम का जो है वो बेनिफिट ले सकता है इस स्कीम के अंडर पहले इंस्टेंस में इनरोलमेंट के बाद uh, एक स्किल ट्रेनिंग वेरिफिकेशन भी होगी जिसमें शख्स कितना जो क्राफ्टमैन है जो आर्टिसन है वो कितना काबिल है कितना स्किल्ड है वो देखा जाएगा पांच से सात दिन की ये ट्रेनिंग होगी और इसमें आपको पर डे का पांच सौ रुपए भी दिए जाएंगे और अगर ये पांच से सात दिन की ट्रेनिंग हो जाती है कंप्लीट हो जाती है अगर उनकी स्किल वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो फर्दर पंद्रह दिन की और जो है वो ट्रेनिंग एडवांस ट्रेनिंग जो है वो ले सकता है मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड थर्टीन थाउजेंड करोड़ रुपीस इसीलिए इस स्कीम के अंडर जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको पांच रुपए पर दिन दिए जाएंगे प्लस आपको पंद्रह रुपए भी दिए जाएंगे पंद्रह हजार रुपए की टूल किट जो है वो भी दी जाएगी आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ 15 डेज ऑफ जो ट्रेनिंग है उसके बाद आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो एनरोलमेंट के बाद जो आपको बिजनेस के लिए आपको ट्रेडिशनल uh, ट्रेड के लिए uh, जो आपका काम है आपकी कारीगरी है उसकी हेल्प के लिए आपको जो पहला लोन है पहले ट्रेंच का जो लोन है वो एक लाख रुपए का दिया जाएगा विदाउट एनी कलेक्ट्रल यानी किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा आपको और आपको वो लोन अठारह महीने के अंदर जो है वो अठारह महीने के बाद जो है वो रिपे करना पड़ेगा उसके बाद आपको सेकेंड रेंज में दो लाख रुपए का लोन और दिया जाएगा वो आपको तीस मंथ सॉरी हाँ तीस मंथ के आ, बाद आपको जो है वो रिपे कर देना पड़ेगा और आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाँच परसेंट का इंटरेस्ट रेट होगा और इन केस कोई भी जो बेनिफिशियरी है वो अगर फेल हो जाता है अपने लोन को पे बैक करने के लिए तो सारा आपका जो लोन है वो गवर्नमेंट खुद से पे करेगी सो so, ये कुछ जानकारी जो है वो मैं आप तक पहुँचाने चाह रही थी बिकॉज अभी कुछ देर पहले हम लोग एक ग्राम सभा हमने अटेंड की जहाँ पे Uh, कुछ लोग थे हमारे गांव के और वो ग्राम सभा हमारे ग्राम सेवक जी ने कंडक्ट uh, की उसमें वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के बारे में लोगों को बता रहे थे सो इसीलिए मैं आप के सामने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है आप तक पहुंचाने कोशिश की है मैंने बाकी आपको सी सेंटर या बाकी ऑनलाइन भी आपको वो सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी आप ऑनलाइन भी इन कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि एलिजिबल कैंडिडेट वही होगा एलिजिबल बेनिफिशरी वही होगा जो जिसके घर पे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो और जिसने इससे पहले कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट पैकेज या अनएम्प्लॉयमेंट का लोन जो है वो ना ले रखा हो और अगर ले रखा हो तो वो उसने पे बैक कर दिया हो वो ही इस स्कीम का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं इस स्कीम के अंडर जो पहला बैच है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही हमारे जम्मू कश्मीर से ही है और वो पहला बैच जो है वो स्टार्ट भी हो चुका है पहला बैच जो ट्रेनिंग का और इस बेनिफिशरी इस बेनिफिट को लेने के लिए जो है वो आ,